गुजरात में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। दूसरे चरण में मध्य और उत्तर गुजरात की कुल 93 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इन 93 सीटों पर मतदाता 851 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। दूसरे दौर की 93 सीटों में से 54 सीटें ग्रामीण और 39 सीटें शहरी। अहमदाबाद और वडोदरा सहित शहरी इलाकों में बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। उत्तर गुजरात कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है और ओबीसी बहुल्य इलाका है। दूसरे चरण में करीब 2.2 करोड़ मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। आज जिन 93 सीटों पर 851 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, उन उम्मीदवारों में से 782 पुरुष और महज 69 महिलाएं हैं। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, उसमें उप मुख्यमंत्री मेहसाणा से चुनाव लड़ रहे नितिन पटेल, राधनपुर से अल्पेश ठाकुर, बड़गांव से जिग्नेश मेवाणी और दबोई से कांग्रेस के सिद्धार्थ पटेल के नाम शामिल हैं। हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर पहचाने जाने वाले गुजरात में नए सियासी समीकरण पैदा करने वाली युवा त्रिमूर्ति की असल परीक्षा भी इसी चरण में है। दामन थामने वाले ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और उनके 7 समर्थकों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। दलित नेता जिग्नेश मेवाणी बड़गांव सीट से निर्दलीय मैदान में है, उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला है। वीडियो डेस्क अमर उजाला टीवी, गांधीनगर।